स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट पे फॉर यू अर्निंग एक्सेस ऐप के बारे में। इस ऐप को कैसे यूज़ करना है, प्लस इस ऐप से कैसे रिचार्ज करना है, ये ऐप रियल है फेक, प्लस इस ऐप से हम कैसे रिचार्ज करके हम यहाँ पे बेनिफिट पा सकते हैं, जो कि दोस्तों मैं आप सभी के सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो ना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए वीडियो को लाइक प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचते रहे। जैसा कि दोस्तों आप देखोगे यहाँ पे न्यू प्ले स्टोर का ऐप है जिसका नाम है डायरेक्ट पे फॉर यू अर्निंग एक्सेस। जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं यहाँ पे ये जो ऐप है ये ऐप रिचार्ज वाला ऐप है। हम यहाँ पे इस ऐप को यूज़ करते हैं प्लस यहाँ पे रिचार्ज करते हैं दोस्तों, हमें यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। प्लस इस ऐप को कैसे यूज़ करना है और यहाँ पे आप सभी का डाउट ये था ये ऐप रियल है फेक, जो कि दोस्तों मैं आप सभी के साइड आउट इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। और यहाँ पे आप देखोगे तो इस ऐप ने अपनी रेटिंग को हाइड कर रखा है, प्लस यहाँ पे इस ऐप को 100+ लोगों ने डाउनलोड कर रखा है। तो मैंने भी इस ऐप को कर लिया है डाउनलोड, अब मैं करता हूँ इसको ओपन। और दोस्तों आपको यहाँ पे वीडियो स्किप करके नहीं देखनी क्योंकि मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ इस ऐप को कैसे यूज़ करना है, प्लस यहाँ पे कैसे रिचार्ज करना है और यहाँ पे हम कैसे रिचार्ज करके हम यहाँ पे अच्छा खासा बेनिफिट पा सकते हैं। अगर दोस्तों आप यहाँ पे कोई भी पार्ट को स्किप कर दोगे तो आपको यहाँ पे वीडियो नहीं समझ आएगी, बाद में आप मुझे बोलोगे कि हमें आपकी वीडियो नहीं समझ आई। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इस ऐप को ओपन कर लिया, और यहाँ पे जब भी आप इस ऐप को पहली बार ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे इस ऐप में लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे करता हूँ कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपको ऑल टाइप्स ऑफ रिचार्ज सर्विस यहाँ पे अच्छे से जैसा यहाँ पे इनकी डिटेल्स जाननी है, प्लस यहाँ पे इनको रीड कर लेना गाइडलाइंस इनकी, यहाँ पे इस ऐप की गाइडलाइंस क्या है और यहाँ पे ये सब आपको अच्छे से रीड करना है और यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया और यहाँ पे करते हैं डन। अब यहाँ पे जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं ये ऐप स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे फर्स्ट फोन हमें इस ऐप में आईडी क्रिएट करना पड़ेगा और यहाँ पे परमिशन, तो हम यहाँ पे करते हैं पहले परमिशन पे क्लिक और यहाँ पे करते हैं अलो। अब यहाँ पे इस ऐप में मोबाइल नंबर आपको अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, जिससे दोस्तों आपका यहाँ पे इस ऐप में आईडी क्रिएट हो जाएगा। तो मैं भी यहाँ पे ये सब डिटेल यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने सिंपली अपना इस ऐप में आईडी क्रिएट कर लिया है। फर्स्ट फोन यहाँ पे मोबाइल नंबर प्लस यहाँ पे ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे ईमेल और यहाँ पे पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे आपका इस ऐप में आईडी क्रिएट हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इस ऐप के होम पेज पे आ गया हूँ। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं इस ऐप को कैसे यूज़ करना होता है। तो मैं दोस्तों आपको बता दूँ अगर आप यहाँ पे गूगल पे या फिर फ़ोन पे यूज़ करते हैं दोस्तों, हमें उन ऐप में पता है कि वो जो ऐप हैं वो ऐप हमारे डायरेक्ट बैंक अकाउंट से अटैच हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम कोई पेमेंट करते हैं तो दोस्तों हमें सिंपली उन ऐप से हमारे बैंक अकाउंट से पैसे कटते हैं, बट यहाँ पर दोस्तों इस ऐप में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पहले इस ऐप में यहाँ पर रिचार्ज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर दोस्तों रिचार्ज कैसे करना होता है, तो हमें यहाँ पर करना होता है ऐड मनी वाले ऑप्शन पर क्लिक। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे आप यहाँ पे ऐड मनी वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे गूगल पे का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको मोबाइल रिचार्ज करना है, प्लस यहाँ पे पेमेंट बिल करना है या फिर कोई पेमेंट करनी है, तो आपको यहाँ पर उसी के हिसाब से इस ऐप में उतने ही पैसे ऐड करने हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर अमाउंट डालना है और यहाँ पर ऐड मनी करोगे तो सिंपली यहाँ पर गूगल पे और फ़ोनपे से आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट के इस ऐप में आ जाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों जितना मर्जी आप रिचार्ज करो और यहाँ पे कोई पेमेंट करते हो दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट फोन इजीली आपकी पेमेंट हो जाएगी, जो कि आप यहाँ पे पहले इस ऐप में अपना रिचार्ज करोगे तभी दोस्तों आप यहाँ पे एनीथिंग पेमेंट प्लस यहाँ पे रिचार्ज कर सकते हो। ऐसे दोस्तों आप यहाँ पे डायरेक्ट कोई भी यहाँ पे रिचार्ज प्लस यहाँ पेमेंट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे इस ऐप में पहले आपको ऐड मनी करना होगा। अब यहाँ पे दोस्तों जब आप ऐड मनी कर लोगे तो आप बात करते हैं यहाँ पे रिचार्ज कैसे कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे करना होता है रिचार्ज वाले ऑप्शन पे क्लिक। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे रिचार्ज वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको मोबाइल रिचार्ज प्लस यहाँ पे टीवी रिचार्ज और यहाँ पे फास्टैग रिचार्ज और यहाँ पे बिल पेमेंट्स एनीथिंग यहाँ पे ये सब ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इसलिए दोस्तों अगर आप यहाँ पे फोन पे या फिर गूगल पे यूज़ करते हो तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे ये ऐप भी आप यहाँ पे इजीली यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ भी टफ काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो सारे फीचर आपको यहाँ पे इस ऐप में देखने को मिल जाएंगे जो हम यहाँ पे गूगल पे या फिर फोन में यूज़ करते आ रहे हैं, क्योंकि वो आपको यहाँ पे सारे ये ऑप्शन आपको इजीली यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इजीली आप यहाँ पे इस ऐप को कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हो। अब अगर आपको दोस्तों यहाँ पे किसी का अपना या फिर किसी और का रिचार्ज करना है मोबाइल, तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है मोबाइल रिचार्ज ऑप्शन में क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों इजीली आप यहाँ पे मोबाइल में डाल के आप यहाँ पे इजीली रिचार्ज कर सकते हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पे सिंपली जैसा कि मैंने आपको बताया गूगल पे या फोन पे की तरह आप यहाँ पे इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये था ऑप्शन रिचार्ज करने का, प्लस यहाँ पे ऐड मनी करके आप यहाँ पे इजीली रिचार्ज कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको यहाँ पे इस ऐप में कुछ भी यहाँ पे इशूज़ देखने को मिल रहे हैं, अगर दोस्तों आपने इस ऐप में यहाँ पे ऐड मनी किया है प्लस आपका पैसा रिसीव नहीं हुआ, तो आप यहाँ पे सिंपली सपोर्ट यानी कि टैक टू अस पे क्लिक करना है और यहाँ पे इजीली आपको एक नंबर दिया जाएगा। आपको यहाँ पे दोस्तों वही नंबर पे कॉल करना है, आपको इजीली दोस्तों यहाँ पे
जिससे दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे आपको हेल्प की जाएगी और आपको दोस्तों यहाँ पे हर एक प्रॉब्लम का यहाँ पे सोल्यूशन बताया जाएगा। और आप यहाँ पे चैट विद अस पे क्लिक करके आप यहाँ पे सिंपली चैट भी कर सकते हो कि यहाँ पे मुझे इस तरह का इंटरफेस आया, प्लस यहाँ पे मैंने रिचार्ज किया है, पैसे कट गए हैं और यहाँ पे रिचार्ज कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इस ऐप में ज़्यादातर इस तरह के इश्यूज़ आते रहते हैं। जो कि दोस्तों यहाँ पे इन्हीं का सोल्यूशन ये है कि आप यहाँ पे सिंपली सपोर्ट भी मांग सकते हैं, कुछ इस तरह से यहाँ पे इस ऐप को यूज़ करना होता है। बट यहाँ पे दोस्तों मैं आपको ये रिकमेंड करूँ कि अगर आप यहाँ पे फ़ोनपे या गूगल पे यूज़ कर रहे हो तो दोस्तों आप यहाँ पे वही ऐप यूज़ करो। प्लस यहाँ पे क्योंकि हम सभी को पता है वो ऐप जो है वो ऐप सेफ है, प्लस हम यहाँ पे उन ऐप से कोई भी पेमेंट करते हैं, प्लस यहाँ पे रिचार्ज करते हैं तो हम यहाँ पे इजीली यहाँ पे रिचार्ज कर पाते हैं, प्लस यहाँ पे हमारा पैसा भी सेफ है और यहाँ पे हमारे काम भी इजीली हो जाते हैं। इन ऐप में पहले पेमेंट ऐड करनी पड़ती है, तब जाके हम यहाँ पे इन ऐप में यहाँ पे रिचार्ज कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे किसी का रिचार्ज कर सकते हैं और यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पे फोनपे गूगल पे यूज़ करो तो इजीली आप यहाँ पे वही ऐप यूज़ करो, वही बेटर है। प्लस यहाँ पे ये ऐप में कोई ना कोई यहाँ पे टेक्निकल इशूज़ आते रहते हैं, अपने ऐड मनी करो तो आपका पैसा रिसीव नहीं होगा, प्लस यहाँ पे रिचार्ज करो तो बट आपका पैसा कट जाएगा और यहाँ पे रिचार्ज नहीं कंप्लीट होगा। इससे बेटर यही दोस्तों आप यहाँ पे फोनपे गूगल पे यूज़ करो, वो बेटर ऐप है और यहाँ पे हमारा इजीली यहाँ पे काम भी बन जाता है। बाकी दोस्तों जो इस ऐप के बारे में, ये ऐप रियल ऐप है, तो आपको बैक करने से आपने इस ऐप को डाउनलोड किया था। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इस ऐप ने अपनी रेटिंग को हाइड कर रखा है, क्योंकि हम सभी को पता है यहाँ पे जो ऐप की रेटिंग होती है वो हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि ऐप रियल ऐप है, बट यहाँ पे इस ऐप ने अपनी रेटिंग को हाइड कर रखा है। अगर दोस्तों आपको जाना है ऐप रियल ऐप फेक, तो दोस्तों आपको कहना है आपको इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ऐप रियल ऐप फेक। मैं जोन से कमेंट को पिन या फिर हार्ट कर दूंगा, सिंपली दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में ही आपका आंसर मिल जाएगा कि ऐप रियल ऐप फेक। बाकी दोस्तों मैंने आपको बता दिया, अगर आपका मन है इस ऐप को यूज़ करने का तो इजीली आप कर सकते हैं, और यहाँ पे कैसे रिचार्ज करना है और यहाँ पे कैसे ऐड मनी करनी है वो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सुना दिया है। अगर दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे सिंपली यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका हर एक कमेंट का यहाँ पे रिप्लाई करूँगा, प्लस आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊँगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो समझ गए होंगे, वीडियो चलिए लाइक कर देना, प्लस यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।